नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो में आपका मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूं, और इस दौरान मैं आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो करियर्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो आज हम देखेंगे एक और नए करियर के बारे में जो कॉमर्स का सबसे अच्छा करियर माना जाता है। उस करियर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। पिछले वीडियो में हमने करियर के बारे में एक वीडियो देखा था, जिसमें हमने देखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका पहला नाम था और पुराना नाम था, जिसको हम फॉर्मरली बोला करते थे कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। इसका नाम अब चेंज हो चुका है और इसका नया नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम शॉर्ट में CMA बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हो, अभी तक आपने मेरा ये एकेडमिक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स, अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये मेरा एकेडमिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप सभी से दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपको CMA के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करियर एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आज हम बात करेंगे इस कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में, यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स होते हैं और पूरा कोर्स कितने साल का होता है। ये जो CMA तक का कोर्स है, ये पूरा कोर्स है 3 साल का, इसका ड्यूरेशन है 3 साल का, और देखेंगे इसमें हम कितने कोर्सेस, कितने लेवल के बाद हम CMA बन सकते हैं, कितने लेवल्स कंप्लीट करने के बाद हमें ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री मिल जाएगी। तो देखते हैं कितने लेवल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे है 3 लेवल्स। पहला लेवल जो माना जाता है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन लेवल, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो 3 लेवल के बारे में, और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा ये 3 लेवल के बारे में। जो पहला लेवल हम CMA कम्प्लीट करते हैं, CMA में कम्प्लीट करते हैं, उसका नाम है फाउंडेशन लेवल। दूसरा लेवल जो हम फाउंडेशन के बाद कंप्लीट करते हैं, उसका नाम है इंटरमीडिएट लेवल, और जो फाइनल लेवल होता है उसको फाइनल ही बोला जाता है, और वो CMA का फाइनल लेवल हो जाता है। ये तीनों लेवल कंप्लीट करने के बाद हम बन जाते हैं CMA। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोर्स लेवल, कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन है 3 साल का और लेवल हैं 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इसके बाद हम देखेंगे ये पूरे 3 साल का कोर्स है, जिसको हम 3 साल का डिग्री भी बोल सकते हैं, मगर ये डिग्री अपने डिग्रियों से काफ़ी अलग है, इसको प्रोफेशनल डिग्री बोला जाता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे 3 लेवल होते हैं। जो पहला लेवल होता है उसको CMA लेवल बोलते हैं, जिसको हम फाउंडेशन CMA बोलते हैं। इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल, वही मैंने ग्राफिकल मैनर में आपको दिखाया है, मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें इस CMA कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे 3 लेवल हैं, 3 लेवल के साथ हमें एक कोर्स कंप्लीट करना है। उसमें से अगर पहला लेवल है तो वो है फाउंडेशन लेवल। अगर फाउंडेशन लेवल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर मुझे फाउंडेशन लेवल के लिए एडमिशन लेना है तो क्या है एलिजिबिलिटी, वो आज हम देखेंगे। तो देखेंगे ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मुझे CMA फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेना है तो क्या होगा एलिजिबिलिटी फॉर CMA फाउंडेशन कोर्स। तो देखेंगे शुरू में पहला कंडीशन है अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस को आपको 10th और 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करनी है। अब हम 10th के बाद भी CMA, CA और CS कर सकते हैं, मगर आपका जो 10th है और जो 10th इक्विवेलेंट डिग्री है, 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, वो आपको रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट करना है। कोई भी सेंट्रल बोर्ड से, कोई भी स्टेट बोर्ड से आप अपना
टेंथ कंप्लीट किया होना ज़रूरी है और टेंथ इक्विवेलेंट कोर्स कर कंप्लीट किया होना ज़रूरी है। ये है फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अंडर 10+2 स्कीम ऑफ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और एग्जामिनेशन। अगर आपने ट्वेल्थ भी कंप्लीट किया है तो वो भी चलेगा, अगर आपको CMA फाउंडेशन में एडमिशन लेना है तो। तो दो कंडीशंस हैं आपका, अगर टेंथ है और टेंथ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने अगर पास किया है, और दूसरा है अगर आपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिसको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोलते हैं और जिसको हम HSC बोलते हैं महाराष्ट्र में, और जैसे कि उसको हम 10+2 भी बोलते हैं, वो भी अगर आपने पास किया है तो आप फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये है एलिजिबिलिटी क्रिया फॉर CMA फाउंडेशन कोर्स। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने देखा CMA कितने साल का कोर्स है। CMA 3 साल का कोर्स है। CMA कितने लेवल्स है। CMA में 3 लेवल्स हैं, जैसे कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। और उसके लिए अगर मुझे और अगर हमें CMA फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया 1 है, अगर आपने 10th पास किया है और कोई भी 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने 12th पास किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, कोई भी बोर्ड से, वेदर इट इज़ सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, फिर भी आप CMA फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इतना सारा हमने आज इसके वीडियो में देखा है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा और एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिकल मैनर में क्या एडमिशन और क्राइटेरिया है फॉर गेटिंग एडमिशन इन टू द डिफरेंट कोर्सेस ऑफ CMA। और मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही में ये जो वीडियो है आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में बिना भूले शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जाते जाते आपका कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इस वीडियो को और बेहतर बना सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में देखेंगे और कुछ एस्पेक्ट्स CMA के। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।